नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन टू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उस किस्से का नाम है नाइट स्टे। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए इस किस्से का हिस्सा। संदीप की जिंदगी में यह अचानक हुआ। संदीप गुप्ता एक अरसे से दिल्ली में काम कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट और फिर ट्रेनिंग कंसल्टेंट के तौर पर संदीप ने बहुत सी कंपनियों में काम करने के बाद अपना काम शुरू किया। हालांकि उन्हें दिल्ली में रहते हुए और महानगर की चकाचौंध को एंजॉय करते हुए एक अरसा हो चला है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में हमेशा से एक खलिश रही कि चलिए पहाड़ों में अपने लिए कोई बसेरा ढूंढा जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद मियां बीवी आराम से पहाड़ों में रह सकें। क्योंकि संदीप गुप्ता को ट्रैवलिंग का भी खासा शौक है, वो अक्सर अपनी गाड़ी उठा दूर दराज के इलाकों में जाते रहते हैं, तो उन्होंने अपने इन्हीं ट्रैवल प्लान के साथ साथ इस बात की खोजबीन भी शुरू की कि कहां पे कोई ऐसी जगह तलाशी जाए जहां पे एक छोटा सा बसेरा बनाया जाए। संदीप की वाइफ गुंजन ने भी खासा साथ दिया संदीप के इस स्टेप में, और अक्सर जब भी मौका मिलता दोनों मियां बीवी निकल पड़ते ऐसी किसी जगह की तलाश में। खैर, मेन मुद्दा रहता ट्रैवल का, और फिर उन्होंने ये सोचा कि ट्रैवल करते करते अगर कोई ऐसी जगह हाथ आ जाती है तो इसमें बुराई क्या है। बहुत सा अरसा गुजरा और इस दौरान संदीप ने कमाऊं रीजन में भी खासा ट्रेवल किया। उत्तराखंड घूमते हुए, हिमाचल घूमते हुए अक्सर उनकी नजर रहती किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो रिटायरमेंट के बाद अपने प्लान्स या अपने सपनों को पूरा कर सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उनके साथ अचानक हुआ, तो ऐसे में एक दिन अचानक उनके एक मित्र ने उन्हें फोन किया और कहा कि देखिए, आप जिस तरह की जगह की बात कर रहे थे वैसी एक जगह मेरी नजर में आई है। यहां हम आपको यह बताएं कि पहाड़ों के अलावा संदीप को बागबानी का भी खासा शौक है। दिल्ली के अपने घर में उन्होंने किचन गार्डन बना रखा और अब टेरिस को भी एक बढ़िया बाग में तब्दील कर दिया है। और अक्सर आप उनके सोशल नेटवर्क अपडेट्स में घर में बनी या घर में उगाई हुई सब्जियों की तस्वीरें देख सकते हैं, वो इसमें खासा इंटरेस्ट लेते हैं। तो जगह को लेकर उनके दो क्राइटेरियाज थे, एक तो पहाड़ों में वो जगह होनी चाहिए ताकि मौसम का पूरा लुत्फ उठा सकें, और दूसरा वो जगह एक फ्रूट बेल्ट होनी चाहिए, या ये कहे कि वहां पर सब्जियां और फल बहुतायत में होने चाहिए। तो ऐसे में जब उनके दोस्त का उनको फोन आया और दोस्त ने कहा कि देखिए, हमने आपके लिए ऐसी जगह तलाशी है जो पहाड़ों में भी है और वहां पर आप अपना बागबानी का शौक भी पूरा कर सकते हैं, तो संदीप एकदम से इंटरेस्टेड हो गए। तो संदीप ने अपने मित्र से कहा कि बताइए वो कौन सी जगह है। पहली बार संदीप ने नथुआ खान का नाम तब सुना। हालांकि वो उत्तराखंड काफी घूम चले चुके थे, लेकिन नथुआ खान का नाम सुन के गुरु चौंक गए। उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि ये जो नथुआ खान है, ये अगर उत्तराखंड में है तो फिर कौन से रीजन में है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने नथुआ खान का नाम कभी नहीं सुना था। अब नथुआ खान का नाम नथुआ खान क्यों पड़ा, इसको लेकर बहुत से लोग अपने अपने अनुमान लगाते हैं, पर शायद किसी के पास भी इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि देखिए, वहां पे खासा रहा करते थे जो कि खासे प्रसिद्ध थे, और उत्तराखंड या कमाऊं रीजन में उनका काफी दबदबा था, तो उनके नाम पर इसे नथुआ खान कहा जाता है। कुछ एक लोग ये भी मानते हैं कि यहां पर एक अच्छी खासी मिनरल बेल्ट थी और यहां पर एक खान हुआ करती थी जो कि खनिज जहां से निकलते थे, इसलिए इस जगह को नथुआ खान कहा जाता है। बहरहाल, नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हां, यह जानना जरूरी है कि नथुआ खान आखिर है कहां।
तो नैनीताल खंड में है नथुआ खान। नैनीताल से जब आप आगे चलते हैं भवाली आता है, और भवाली से 30 किलोमीटर की दूरी पर नथुआ खान है। नथुआ खान से जब आप आगे बढ़ते हैं तो करीबन 10-12 किलोमीटर पर मुक्तेश्वर आता है, और ये पूरे की पूरी जो बेल्ट है इसे फ्रूट बेल्ट ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। यहाँ पर सेब के अलावा प्लम और दूसरे किस्म किस्म के फल उगते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के लिए भी इसे काफी जाना जाता है। संदीप ने जब ये सारी बातें सुनी तो उनका मन एकदम से जगह पर जाने का, पहुंचने का हो गया। तो जल्दी से संदीप ने प्लान बनाया और अपनी वाइफ गुंजन को साथ ले वो नथुआ खान पहुंच गए। जैसा कि उनके मित्र ने बताया था, ये जगह वाकई काफी खूबसूरत थी। जगह के अलावा उनको वो जमीन भी पसंद आई जो उनके फ्रेंड ने उनके लिए चूज करके रखी थी। आनंद फानंद में संदीप ने जमीन का सौदा भी कर दिया, और जब वो दिल्ली लौटे तो नथुआ खान में इस जमीन के टुकड़े को अपने नाम करा के लौटे। नथुआ खान में जमीन खरीदने के बाद अब संदीप ने अपने ड्रीम को पूरा करने की तैयारी शुरू की। उनका मानना यह था कि अपने रिटायरमेंट प्लान को जीवंत करने के लिए वो यहां पर एक छोटी सी कॉटेज बनाए। तो बहुत जल्द संदीप ने फिर यहां पर कॉटेज बनाने का काम भी शुरू किया, और जब कॉटेज बनकर तैयार हुई तो उसका नाम रखा गया द काम कॉटेज। और जब कॉटेज बन गई तो उन्हें लगा कि देखिए हमारे रहने के लिए कॉटेज तो है, पर इसके अलावा क्यों ना दूसरे सैलानियों के लिए भी इसे खोला जाए। तो फटाफट उत्तराखंड में काम कॉटेज को रजिस्टर करा, उन्होंने इसे दूसरे सैलानियों के लिए भी खोल दिया। काम कॉटेज नथुआ खान में है, और आप भी अगर चाहते हैं कि जाएं और थोड़े दिन सुकून के गुजार के आएं तो काम कॉटेज आपके लिए भी खुला है। तो अब काम कॉटेज बनके तैयार था, और संदीप, गुंजन और सारा परिवार बहुत खुश था। जब भी मौका मिलता लॉन्ग वीकेंड तो वो नथुआ खान पहुंच जाते। क्योंकि अब ये सैलानियों के लिए भी खुला था तो इसके लिए कुछ स्टाफ भी रखा गया। दिनेश, हरिंदर, ये दो लोग थे जो शुरुआत से काम कॉटेज के साथ जुड़े। अक्सर संदीप जब भी वहां जाते तो वो अपने बागबानी के शौक को भी पूरा करते और आसपास के इलाकों में भी घूमते, और ये क्रम फिर चल पड़ा। एक बार जब संदीप, गुंजन अपने परिवार के साथ काम कॉटेज में थे तो दिनेश, जो काम कॉटेज का केयरटेकर था, उसने संदीप से कहा कि देखिए अगली बार नवंबर के महीने में आपको काम कॉटेज दोबारा आना है, नथुआ खान दोबारा आना है, क्योंकि मेरे घर में एक शादी है। दिनेश की बहन की शादी थी और वो चाहता था कि गुंजन और संदीप भी इस शादी में शिरकत दें। हालांकि संदीप और गुंजन ने सोचा कि कहां वो इस शादी में आएंगे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि एक तो वो उनका एम्प्लॉय है और दूसरा बहुत ही स्नेह और प्यार के साथ उन्हें न्योता दे रहा है शादी में आने का। तो चलिए बात आई गई हो गई, ये लोग वापस दिल्ली आ गए। फिर 2018 नवंबर का महीना आया, और नवंबर के महीने में नथुआ खान से दिनेश का फोन भी आया। दिनेश ने उन्हें याद दिलाया कि आपको मालूम है कि इसी हफ्ते मेरी बहन की शादी है और हम सब लोग आप लोगों का पूरे मन से इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग शादी में आएं। तो संदीप और गुंजन को लगा कि देखिए अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा से न्योता आया है, हमें लगा था ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया होगा दिनेश ने, पर अब तो जाना जरूरी है। तो नवंबर के एक सप्ताह में गुंजन और संदीप दोबारा निकले नथुआ खान जाने के लिए। दिनेश का गांव नथुआ खान से लगकर है, करीबन 1-2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां पर दिनेश का गांव पड़ता है। इस बीच संदीप और गुंजन ना जाने कितनी बार नथुआ खान गए और नथुआ खान से वापस आए, तो ये रास्ता अब उन्हें न्यू जबानी याद था। आप लोग गजरौला पहुंचे, आगे बढ़ के बाजपुर जाएं, कालाडूंगी, नैनीताल पहुंचे, भवाली,
मल्ला रामगढ़, तल्ला रामगढ़ और नथुआ खान, एक एक स्पॉट जो है उन्हें मुंह जबानी आता। तो प्रोग्राम फिक्स हुआ और तय प्रोग्राम के अनुसार संदीप और गुंजन नथुआ खान के लिए निकले। संदीप की एक और खास आदत है, उन्हें अक्सर जल्दी उठकर जल्दी ट्रेवल करने की आदत है, और फिर चाहे जितना भी दूर जाना हो वो नाइट स्टे कहीं नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर नाइट स्टे करने के लिए रुकना है, इससे बेहतर ये है कि आप जिस जगह के लिए निकले हैं वहीं पहुंच जाएं और नाइट स्टे वहीं करें। बहुत से मौकों पर गुंजन उन्हें ये बताती हैं या कहती हैं कि देखिए जर्नी को ब्रेक कर लेते हैं। संदीप हालांकि कभी भी इसके हक में नहीं रहते, वो सबको जल्दी उठाते हैं और फिर मंजिल पर पहुंच के ही दम लेते हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, ये लोग सुबह निकले और नथुआ खान पहुंच गए। नथुआ खान दिल्ली से करीबन 370 किलोमीटर है। नथुआ खान पहुंचकर उस दिन उन्होंने आराम किया। प्रोग्राम ये था कि अगले 2 से 3 दिन शादी के कुछ फंक्शंस हैं, गांव की शादी अक्सर लंबी चलती है, लेकिन संदीप और गुंजन का मानना यह था कि वो एक दिन फंक्शन में पार्टिसिपेट होंगे, अगले दिन शादी का जो मेन फंक्शन है उसमें शिरकत करेंगे और फिर शाम के आसपास वो वहां से निकल वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ऐसा ही करते हुए पहले दिन उन्होंने कुछ फंक्शंस में शरीक हुए या शिरकत दी। अगले दिन का कार्यक्रम ये था कि जो दिन में जितने भी फंक्शंस होने हैं शादी से रिलेटेड वो सब में पार्टिसिपेट करने के बाद वो करीबन 4-5 बजे वापस दिल्ली की ओर निकलेंगे, ताकि फिर ट्रैवल करके देर रात या अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुंच जाया जाए। हालांकि गुंजन उनसे बार बार कह रही थी कि रास्ते में कहीं रुक कर जाएंगे, जिस पर संदीप का कहना था तुम्हें मालूम है मैं बीच में जर्नी के नाइट स्टे नहीं करना चाहता। तो गुंजन ने सोचा कि ठीक है जनाब, आपको ड्राइव करना है आपकी मर्जी। पहाड़ों की शादी हालांकि सादगी के साथ होती है, लेकिन अब बड़े शहरों का इन्फ्लुएंस इन शादियों में देखने को मिल रहा है। अक्सर आपको पहाड़ की शादी में 3 चीजें देखने को मिलती हैं, जिसे आप कॉमनली ट्रिपल डी भी कह सकते हैं। पहला डांस, कोई भी मौका हो, कोई भी फंक्शन हो, पहाड़ी डांस हो, और आजकल तो मॉडर्न डीजेस भी हैं, तो डांस आपको हर एक शादी में मिलेगा। दूसरा देवता, भगवान को लेकर पूरी संजीदगी है पहाड़ के लोगों में। देवभूमि कहे जाने वाले सब इलाके अपने भगवानों को लेकर बहुत संजीदा हैं, और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फंक्शन में भगवान का आना जरूरी है। और तीसरा डी जो है वो है दारू। अब चाहे लोकल शराब हो या विदेशी या देशी शराब हो, अब पहाड़ की शादियां इसके बिना पूरी नहीं होती। तो जो जो सेरेमनी दिन में होनी थी वो शाम की तरफ जा रही थी, और जो जो शाम को होनी थी वो अब पोस्टपोन हो रात की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि ये ट्रिपल डी का कार्यक्रम जो है पूरे जोर शोर से चल रहा था। संदीप हालांकि काफी सचेत हैं और वो मानते हैं कि अगर वो ड्राइव कर रहे हैं तो उन्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर अगर आपके कर्मचारी के घर में शादी है और आप उसके बॉस हैं या आप उसके एम्प्लॉयर हैं, तो बहुत से मौकों पर आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जिसके लिए शायद आप तैयार नहीं होते। दिनेश ने संदीप और गुंजन को अपना खास मेहमान बताते हुए सबसे इंट्रोड्यूस कराया, और बहुत सी महत्वपूर्ण सेरेमनी जो थी उसमें उन्हें शरीक भी किया। ऐसे में जब बहुत से लोगों ने मनुहार किया तो संदीप ने कहा कि देखिए साहब, ठीक है मुझे ड्राइविंग करनी है, बट अब लोगों का दिल भी दुखाया नहीं जाता। तो उन्होंने उन लोगों के साथ कुछ एक पेग्स या वाइन या विस्की का सेवन कर ही लिया। हालांकि गुंजन उनसे बार बार कह रही थी कि देखिए आपको ड्राइव करना है, तो संदीप ने कहा हाँ मुझे मालूम है और मैं
अभी पूरी तरीके से संतुलित हूं या बैलेंस में हूं। दिनेश की शादी में गांव के लोगों के अलावा कुछ एक लोकल अफसर भी शामिल थे। संदीप को काफी हैरत हुई, लेकिन फिर गांव में एक पूरा कुनबा आपके साथ होता है और उसमें अगर बड़े अफसर हैं या छोटे अफसर हैं वो सब गांव के लोग रहते हैं। तो ऐसे में संदीप को दिनेश की बहन की शादी में कुछ एक अफसर लोग भी मिले और दिनेश ने सबसे उनका परिचय भी कराया। उनमें से एक उनियाल साहब भी थे। उनियाल साहब जो हैं वो एक रेंज ऑफिसर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। बातों ही बातों में संदीप से उनकी गहरी दोस्ती हो गई और फिर उन्होंने संदीप से कहा कि आप जब भी इस रीजन में ट्रैवल करें, आपको अगर कहीं भी ठहरने की व्यवस्था करनी है तो आप मुझे फोन करें, आपके लिए सारे के सारे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस मौजूद हैं। संदीप को उनकी ये बात अच्छी लगी और फिर पहाड़ी लोगों का यह है कि आपसे वो एक बार मिलेंगे और इतनी गर्मजोशी से मिलेंगे कि आपको लगेगा कि शायद बरसों से वो आपको जानते हैं। उनियाल साहब के साथ संदीप को कुछ ऐसा ही रिश्ता भी लगा। खैर, बातें होती रही, समय गुजरता गया। गुंजन ने कई बार आंखों ही आंखों में संदीप की तरफ देख के घड़ी की ओर इशारा भी किया कि देखिए अब निकलने का वक्त हो चला है। लोगों से मिलते जुलते, सेरेमनीज को निपटाते निपटाते, वार्तालाप करते कुछ ज्यादा समय लग गया। फिर एकाएक संदीप ने कहा कि देखिए अगर अब नहीं निकला जाएगा तो शायद आज हम निकल ही ना पाए, इसलिए अब निकलना पड़ेगा। हालांकि तयशुदा टाइम से अब ज्यादा टाइम हो चला था, लेकिन फिर भी संदीप को लगा कि ठीक है आज पूरी रात ड्राइव किया जाए और अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुंचा जाए। तो संदीप और गुंजन ने सब लोगों से विदा ली। उस समय करीबन करीबन रात के 9 बज चुके थे। गाड़ी में बैठते ही गुंजन ने संदीप से कहा कि देखिए समय काफी हो चला है, आपको रात को ड्राइविंग करना उतना पसंद नहीं, नींद आने का भी खतरा है, तो क्या रास्ते में रुक के नाइट स्टे किया जाए। संदीप ने एक सिरे से इस बात से इनकार किया और कहा नहीं, अब हम सीधा दिल्ली पहुंच के ही रुकेंगे।